नमस्कार, स्वागत है फिर से आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिहार स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी का जीवन परिचय। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बिहार स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जीवन परिचय, ठीक है। ये इनकी तस्वीर है, ये 2018 की तस्वीर है। और आप लोग सुने होंगे कि जल्द ही इनका निधन हुआ है, 5 नवंबर 2024 छठ से 2 दिन पहले। और ये जो है मैथिली, भोजपुरी, मगही के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी काम की थी और बहुत ही ये लोक विधा की प्रखंड गायिका थी। विवाह गीत, छठ गीत, तमाम जो पारंपरिक लोक विधा होती है उसकी बहुत ही बेहतरीन गायिका थी। तमाम पुरस्कार भी मिले थे इनको। और इनका जो छठ गीत है बेहद प्रसिद्ध रहा है और हम लोग जब से जन्मे हैं तब से इनका गीत सुनते आते हैं। और ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा भी जाता है कि इनकी आवाज़ के बिना छठ पूजा जो है अधूरी लगेगी, अगर इनकी आवाज़ को हटा दिया जाए तो। और इनकी आवाज़ जो है हमेशा छठ पूजा में गूंजती रही है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्वर कोकिला जो है बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी का जीवन परिचय देखेंगे एक झलक में। वैसे जीवनी के बारे में, किसी के जीवन के बारे में व्याख्या करना, उनकी हर पहलू की घटना करना जन्म से मरण तक, ये ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जीवनी में एक छोटा मोटा सा परिचय लिया जाता है कि कहाँ जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, क्या क्या उपलब्धियाँ रही, जितना हो सकता है लोग उसको व्याख्यित करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में इन पे थोड़ा बहुत प्रकाश डालूंगा कि कहाँ से कैसे क्या हुआ, कौन कौन सा गीत हिट रहा, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, ठीक है। तो इस पे प्रकाश डाला जाएगा। साथ ही एक चीज़ और मैं बता दूँ, जो लोग संगीत में रुचि रखते हैं, संगीत पढ़ते हैं, संगीत के बारे में जानना चाहते हैं, BA MA प्रभाकर या संगीत का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम या संगीत से टीचर बनना चाहते हैं, NBS KVS आपका नेट GRF तमाम BPSC RPSC UP TGT PGT DEEESSB तमाम भर्तियों की तैयारी संगीत से संबंधित मैं कराता हूँ म्यूजिक गैंगवे चैनल पे, ठीक है। तो YouTube चैनल म्यूजिक गैंगवे से जुड़ सकते हैं, ठीक है, जैसा कि लोगो भी लगा रखे हैं। तो अगर संगीत में रुचि रखते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने कम ही समय में बहुत सारे हजारों बच्चों को संगीत के क्षेत्र में सफल कराया है। तो अगर संगीत में आप भी रुचि रखते हैं, संगीत से पढ़ते हैं, तो ज़रूर एक बार जुड़िए, ठीक है। चलिए आज हम लोग बिहार स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी का जीवन परिचय जानेंगे, चलिए देखते हैं। आइए एक झलक हम लोग इनके जन्म और मृत्यु से संबंधित कुछ चीज़ें जानते हैं, जहाँ पे इनका जन्म, इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है। 1 अक्टूबर 1952 को हुलास गांव, यानी सुपौल जिला, बिहार के सुपौल जिला के हुलास गांव में इनका जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो इनका जन्म जो है 1 अक्टूबर 1952 को हुलास गांव में, जिला सुपौल, बिहार में हुआ था, ठीक है। मृत्यु जो है 5 नवंबर 2024 को, यानी 72 वर्ष की उम्र में, एम्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, एम्स का फुल फॉर्म है, तो एम्स में हुआ था। जैसा कि ये कई दिनों से एक तरह के ब्लड कैंसर से पीड़ित थी और भर्ती थी, ठीक है। तो यहाँ पे इनका 5 नवंबर को एम्स अखिल भारतीय में लगभग 9:30 बजे के करीब में रात को, वैसे दिन से ही कुछ भ्रांतियाँ फैल गई थी कि इनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। मुझे भी कई लोगों ने मैसेज किया लेकिन मैंने सर्च किया तो ऐसा कुछ मिला नहीं, फिर रात को मुझे पता चला उनके डेथ के बाद। तो ऐसा भी भ्रांतियाँ हो जाती, कभी कभी क्या होता है कि तमाम यूट्यूब और गूगल पे देखेंगे कि सलमान खान की दूसरी शादी, तो ऐश्वर्या राय मर गई, तो अमिताभ बच्चन मर गए, इस तरह की भ्रांतियाँ फैल जाती है और उसको बिना देखे जांचे हम लोग वायरल कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। वो कान, कौआ कान लेकर गया, सब लोग समझे कि कान लेकर गया, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो मैंने भी 2-4 लोगों से फ़ोन किया कि अरे यार कैसे डाल दिया, ऐसा तो कोई सूचना ही नहीं है। सब लोगों ने जाँचा, देखा
तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। हालांकि ये उस स्टेज में थी जो कि है आईसीयू में भर्ती थी, तो ऐसा मतलब लोगों ने अफवाह फैला दिया था कि इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो इनकी मृत्यु से पहले ही लोगों ने इनको मृत्यु घोषित कर दिया था। चलिए इनकी ससुराल की बात करें तो बेगूसराय यानी बिहार के बेगूसराय जिला के सिहमा गांव में इनकी ससुराल मानी जाती है। राष्ट्रीयता भारतीय है, पेशा इनका गायिका रहा है, बिहार स्वर कोकिला रही है। कार्यकाल जो है 1980 से 2024 यानी कि 1980 से इन्होंने अपना संगीतिक जगत में विशेष शुरुआत की। ठीक है, वैसे तो जो प्रतिभा होती है बचपन से ही थोड़ा बहुत होता है और कहीं ना कहीं से शुरुआत होता है, उसके बारे में भी जानेंगे कहाँ से इन्होंने गीत शुरुआत किया। तो 1980 से ये औपचारिक सैद्धांतिक रूप से संगीत के क्षेत्र में आ गई, योगदान करने लगी, देश क्षेत्र राज्य के प्रति इनका सम्मान बढ़ने लगा। ठीक है, तो 1980 से 2024 तक इनका कार्यकाल रहा। जीवन साथी जो है इनके पति जो थे डॉक्टर ब्रज किशोर सिन्हा थे, इनका विवाह जो है 1970 में इनके साथ हुआ। पुरस्कार जो इनको मिला है मुख्य रूप से, वैसे तो बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं आगे देखेंगे, लेकिन पद्म भूषण जो है आपका 2018 में, पद्मश्री 1991 में, संगीत नाटक अकादमी 2000 में मिला है। ठीक है, और भी बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं आगे चर्चा करेंगे। ये मोटा मोटी तौर पर इनका एक जीवन परिचय का रूप था। ठीक है, चलिए पढ़ाई और उपलब्धि देखेंगे। ठीक है, इनकी पढ़ाई जो है मगध महिला कॉलेज, प्रयाग संगीत समेत ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से हुआ है। इन्होंने मैथिली भोजपुरी के अलावा हिंदी गीत भी गाए, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन तथा गैंग्स ऑफ बासेपुर, ठीक है, जैसी फिल्मों में इनके द्वारा गाए गीत काफ़ी प्रचलित हुए हैं। इनके गीत जो है बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं, कैसेट भी मिलते थे, अब तो कैसेट है नहीं। इनके गीत दुल्हन प्रीतिया मेहंदी जैसे कैसेट काफ़ी बिके। बिहार एवं यहाँ से बाहर दुर्गा पूजा, विवाह समारोह, छठ पूजा, तमाम अन्य गीत समारोहों में शारदा सिन्हा का गाया गीत अक्सर सुनाई देता है। ठीक है, तो इनका जो गीत है विवाह में, तमाम लोक विधा के जितने भी कार्यक्रम होते हैं वहाँ पे, दुर्गा पूजा में, छठ गीत में इनके गीत बजते रहते हैं, हमेशा सुनाई देते हैं। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ एक बार और देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म जो है बिहार के सुपौल जिले हुलास में हुआ था। ठीक है, उनके पिता का नाम जो है सुखदेव ठाकुर था। क्या था, इनके पिता का नाम सुखदेव ठाकुर था। इन्होंने दो शादियाँ की थी। ठीक है, दो विवाह इन्होंने किया था और इन दो विवाहों में इनके नौ भाई बहनों में वो अकेली बहन थी। ठीक है, नौ भाई बहन थे उन, जिसमें आठ भाई और ये अकेली थे। उनका ससुराल बेगूसराय जिले के सिहमा गांव में है, ये मैंने पीछे बता दिया है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मैथिली गीत गाकर की थी और इनका जन्म जो है एक भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है, वही सारी चीज़ें हैं। इनका जन्म स्थान हो गया, इनका जो है ससुराल हो गई, इनके पिता का नाम जो है सुखदेव ठाकुर था, दो शादियाँ किए थे ऐसा कहा जाता है, और इनके नौ भाई बहनों में जो है शारदा सिन्हा एक अकेली लड़की थी और इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत मैथिली गीत से की थी। ठीक है, चूँकि मिथिला के रहने वाली भी थी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा परिवार पर चर्चा करते हैं इनके। उन्होंने 1970 में ब्रज किशोर सिन्हा से विवाह किया, जिनसे एक बेटा अंशुमान और एक बेटी वंदना हुई थी। इनके एक बेटा जो है जिनका नाम अंशुमान है, जिनके तस्वीर आप लोग देखेंगे, ये है इनकी तस्वीर। ठीक है, ये किशोरावस्था की है जो, इसमें देख रहे हैं अभी इनकी तस्वीर अलग हो चुकी है। शारदा सिन्हा जी की मृत्यु के बाद यहीं इनकी देखरेख में थे और अंतिम दाह संस्कार क्रियाक्रम जो भी होता है उसमें ये बार बार दिखते थे और यहीं सारे न्यूज़ वगैरह
देते थे अपनी माँ का, और ये है वंदना जी, ठीक है, ये तस्वीर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो ये है अंशुमान, ये है वंदना जी, और ये है शारदा सिन्हा जी, ठीक है। तो इनके एक बेटा अंशुमान और एक बेटी वंदना थी हुई। 22 सितंबर 2024 में ब्रेन हेमरेज से पति ब्रिज किशोर जी की मृत्यु हो गई, ठीक है, 2024 में। हाँ, इसी साल ही, देखिए इसी साल ही 2 महीने पहले, यानी 1.5 महीने पहले, इनके पति जो थे ब्रज किशोर जी, इनका भी ब्रेन हेमरेज से मृत्यु हुई थी। और इन्होंने कहा भी था कि मैं जल्द ही आपके पास आऊँगी, और वैसा ही हुआ, 2 महीने के अंदर ये भी चली गई, इनका भी डेथ हो गया, ठीक है। तो 1.5 महीने के अंदर अंदर पति पत्नी दोनों लोगों का निधन हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं 22 सितंबर 2024 में इनके पति ब्रिज किशोर जी की मृत्यु हो गई। अब देखिए यहाँ पे शारदा सिन्हा 2017 से मल्टीपल माइलोमा, यानी एक प्रकार की ब्लड कैंसर से पीड़ित थी। ये कब से पीड़ित थी? 2017 से मल्टीपल माइलोमा से पीड़ित थी, ठीक है, ये 2017 से। 2016 तक ये बिल्कुल स्वस्थ थी। संगीत शिक्षा कहाँ से ली? इनकी संगीत शिक्षा पे बात करते हैं, ठीक है। देखिए, शास्त्रीय संगीत की शिक्षा पंचगछिया घराने के प्रख्यात गायक पंडित रघु झा से ली थी। इसके बाद इन्होंने ख्याल गायक पंडित सीताराम हरिदांडेकर से प्रशिक्षण लिया, जो कि एक बेहतरीन गायक थे। इसके बाद शारदा सिन्हा ने पन्ना देवी से संगीत की शिक्षा ली। पन्ना देवी मलिकाए गजल बेगम अख्तर की समकालीन थी, जो कि ठुमरी और दादरा की प्रतिपादक भी थी, ठीक है। देखिए शारदा सिन्हा नृत्य विशारद मणिपुरी, यहाँ पे देखिए मणिपुरी से इन्होंने नृत्य विशारद भी किया था, ये डांस में भी प्रवीण थी। ये जो है मणिपुरी से नृत्य विशारद भी की थी, और उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत गायन में मास्टर डिग्री और पीएचडी भी की थी, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो जो कुछ भी साक्ष्य है ये सब, हम तो उनसे मिले नहीं हैं, ये जो लिखा रहता है जहाँ से किताबों में या फिर गूगल पे, जहाँ से भी जो मैटर मिला है, मैं बता रहा हूँ। अब क्या सत्य था, अब ये तो वही जानते हैं। चलिए, शारदा सिन्हा का पहला मैथिली गीत दुलरुआ भैया 1971 में आया था, जिसे काफ़ी पसंद किया गया था। इनका पहला जो गीत है वो क्या है, दुलरुआ भैया 1971 में आया था, और ये मैथिली गीत थी। इन्होंने शुरुआत कहाँ से की थी, भैया से नेग लेने से शुरुआत की थी लोक गायकी का सफ़र। जब इन्होंने भैया से नेग की जो प्रक्रिया होती है, नेग मांगने की, द्वार छिकाई वगैरह या जो भी फंक्शन में नेग होता है, वो मांगने के लिए इन्होंने गीत गाया, और जब गीत गाया तो इनको अच्छा लगा। उसी समय इनके मन में वो विचार आए होंगे या अच्छे लगे होंगे, या फिर इन्होंने गाना शुरू किया होगा, तो वहीं से इनकी शुरुआत मानी जाती है कि भैया से नेग लेने से शुरुआत हुआ इनकी लोक गायकी का सफ़र, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं यहाँ पे सांगीतिक योगदान क्या रहा हमारे देश के प्रति या बिहार प्रदेश के प्रति। भारत सरकार की सांस्कृतिक राजदूत के तौर पर उन्होंने मॉरिशस, जर्मनी, बेल्जियम और होलैंड सहित कई देशों में प्रस्तुतियां दी। शारदा सिन्हा 1980 के दशकों में ऑल इंडिया रेडियो के संगीत समारोह और सांस्कृतिक समारोह के जरिए देश भर में प्रस्तुतियां दी। सिन्हा ने 4 दशकों से अधिक समय तक महिला महाविद्यालय समस्तीपुर, LNMU दरभंगा बिहार के संगीत विभागों में भी काम किया। इन वर्षों में उन्हें पद्म पुरस्कारों के अलावा विभिन्न पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान, उसके बाद बिहार कला पुरस्कार, बिहार रत्न, भोजपुरी रत्न, मिथिला विभूति सम्मान शामिल है, ठीक है। तो संगीतिक योगदान में इन्होंने तमाम देश विदेशों में जाकर अपनी कला का, अपनी लोक विधा का प्रचार प्रसार किया, ठीक है। और साथ ही साथ रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो
संगीतिक समारोहों में इन्होंने अपना प्रदर्शन किया, प्रस्तुतियाँ दी, ठीक है, लमसम 4 दशकों तक यानी 40 वर्षों तक इन्होंने अपना जलवा बनाया रखा। समस्तीपुर विद्यालय बिहार के संगीत विभागों में इन्होंने काम किया, उसके बाद तमाम पुरस्कार भी मिले, जैसा कि ये सब देख रहे हैं। इसका PDF जो है म्यूजिक गैंगवे टेलीग्राम पे मिलेगा आपको, वहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक जो है अबाउट चैनल में मिल जाएगा, या फिर आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जुड़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। शारदा सिन्हा ने केवल जीते जी अपने करोड़ों प्रशंसकों के लिए प्रिय न रही, बल्कि इस दुनिया से जाने के बाद भी हर साल जब भी छठ गीत पर्व आएगा, बिहार कोकिला की आवाज़ उसी तरह घाटों पर गूंजेंगे, ठीक है। ये जीते जी ही नहीं बल्कि मरने के बाद भी इनको याद किया जाएगा, ठीक है। चूँकि इनकी जो आवाज़ है आप लोग सुने होंगे, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगी, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, घर याद रहो रखो, ठीक है। तो इनकी आवाज़ से ही इनकी पहचान है। कुछ लोग मर के भी नहीं मरते हैं, अपनी आवाज़ अपनी कार्य अपनी पहचान इस कदर छोड़ जाते हैं कि वो अमर हो जाते हैं, ठीक है। शारदा सिन्हा के कुछ प्रमुख गीत के बारे में जानेंगे। छठी मैया आई न द्वरिया इनका जो गीत है बेहद बजा है, किलवा के पात पर हे दीनानाथ, ठीक है। तमाम गीत आप लोग छठ का सुनेंगे, आप लोग जाकर सुन सकते हैं, जिसके लेखक थे हृदय नारायण झा, लेखक की भी चर्चा की गई है इन सभी गीतों के। इनके जो मुख्य रूप से शारदा सिन्हा के जो लोक विधा के गीते होती थी पारंपरिक गीते, उनको लिखने वाले जो लेखक थे वो हृदय नारायण झा थे, ठीक है। उसके बाद कार्तिक मास इजोरिया इनका गीत प्रसिद्ध रहा, द्वार छेकाई प्रसिद्ध रहा पटना से, उसके बाद कोयल बिनु, ठीक है, कोयल बिनु शामिल रहा, और इसके अलावा बॉलीवुड फिल्मों में भी इन्होंने काम किया। यहाँ पे एक अम्मा महुआ के झूले डलिया तनी ताकन बलहुआ हमार ओरिया, ये भी गाना जो है बेहद प्रचलित रहा, ऐसे रहा, थोड़ा सा मैं गुनगुना भी देता हूँ, ठीक है, ऐसे था, पारंपरिक लय है। ए जी अमवा महुआवा के झूमे डलिया, ए जी अमवा महुआवा के झूमे डलिया, तनी ताकना बलमु वा हमार ओरिया, तनी ताकना बलमु वा हमार ओरिया। तो ये पारंपरिक धुन है, बहुत ही प्यारा लगता है, आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए गैंग्स ऑफ बासेपुर में तार बिजली से पतले हमारे पिया, ये गीत भी बेहद प्रचलित रहा, और इसका लय भी मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, ऐसे था। कि तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया, और सासू बता तूने ये क्या किया, और सासू बता तूने ये क्या किया, तार बिजली से पतले हमारे पिया, ऐसे गीत था, ठीक है। हम आपके हैं कौन के बाबुल हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने प्यार किया के कहे तो से सजना शामिल है, ये भी गीत बेहद प्रचलित है, और जो भी गायिका लोक विधा से जुड़ी है सभी लोग गाते हैं, हिंदी या भोजपुरी जो भी है, ऐसे गाना वो था। कि कहे तो से सजना हमरी सजन तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया मैं, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, ऐसे ये गाना था, कैसे मैं थोड़ा सा भूल रहा था। कहे तो से सजना ही तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया मैं, ठीक है। तो ये सारे गीत मैंने कभी गाया नहीं था, ना कभी, ज़्यादा बहुत कम ही सुना था, ये गाना तो मैं सुना था, तार बिजली वगैरह या फिर और सारे जो गाने हैं पुराने इनके
बहुत मैं कम सुना हूँ, छठ गीत में सुनता था ठीक है, और ये गाने एक दो गाने मैं उनका सुनता था, सुना हूँ, अच्छा लगता था। और जो भी गाने हैं मैंने फिर गूगल पे सर्च किया, बहुत सारे लोग इनके मरने के बाद इनके गीत इनकी उपलब्धियों को देखे हैं तमाम, मैंने भी सर्च किया कि क्या इनकी उपलब्धि रही ठीक है, और उसी को देखते हुए ये मैंने बनाया। चलिए उनके मृत्यु की तरफ चलते हैं एक बार और, जान लेते हैं कि इनकी मृत्यु 5 नवंबर 2024 को दिल्ली एम्स में मंगलवार रात इतने 9 यानी 9:15 की लमसम हुई, करेक्ट टाइम नहीं है मैंने अनुमान लगाया ठीक है। इनका अंतिम संस्कार गुरुवार यानी कि 7 नवंबर 2024 को पटना के गुलाबी घाट पर राजकीय सम्मान के साथ छठ के ही दिन हुआ ठीक है, छठ के दिन ही हुआ ठीक है। तो ये छठ गीत गाती थी, छठ के लिए प्रसिद्ध थी, ऐसा माना जाता है कि ये छठ की बेटी थी, और छठ से 2 दिन पहले इनकी मृत्यु हुई, और छठ के दिन ही इनके यानी बिहार राज्य पटना यानी बिहार की राजधानी पटना के गुलाबी घाट पर इनका जो है अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। तमाम बड़े लोग जो हैं कि ये देखिए इनके पुत्र हैं, और भी बहुत सारे इसमें नेता हैं, वहाँ के लोग हैं जो इनके दाह संस्कार में उपस्थित रहे, बड़े ही सम्मान के साथ इनका दाह संस्कार किया गया ठीक है। तो मृत्यु 5 नवंबर को हो गई 2024 में दिल्ली में, और जो है इनका जो है अंतिम संस्कार पटना के गुलबी घाट में छठ के दिन ही हुआ ठीक है। तो इस तरह से था इनका पूरा जो है एक दृष्टि जीवन परिचय का, बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें नहीं रख पाया हूँ, लेकिन जो चीज़ भी मिला महत्वपूर्ण थी मैंने बताया। अब इन्होंने और क्या क्या किया कब कैसे सारी चीज़ें बता नहीं सकते एक वीडियो में ठीक है। चलिए वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही संगीत से आप जुड़े हैं तो हमसे भी जुड़िए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।